ये खबर है तमिलनाडु की। तमिलनाडु के त्रिपुर के कपड़ा मिलों में काम करने वाले सभी भारत से बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दिनों पहले 3 लोगों को बीएसएफ के जवानों ने पकड़ लिया। इनकी पहचान मोहम्मद आलम, मोहम्मद सुमन, मोनो यारा और चंदन मंडल के रूप में हुई है। इन्हीं से पूछताछ के दौरान इसका खुलासा हुआ है। बीएसएफ को मिली पूर्व सूचना के आधार पर इन तीनों को घेर लिया और पूछताछ करने पर उसमें सवार 3 यात्री और चालक में से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे थे, जिन्हें पूछताछ के लिए सीमा चौकी महेंद्रा लेकर आए और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों को आगे की कानूनी कार्यवाही हेतु पुलिस थाना हंसखली को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि 200 बांग्लादेशी गैर कानूनी तरीके से रहते हुए कर रहे हैं त्रिपुर के कपड़ा मिलों से काम करते हैं। पूछताछ करने पर मोहम्मद आलम, मोहम्मद सुमन ने बताया कि बांग्लादेश के रहने वाले हैं और 6 महीने पहले गैर कानूनी तरीके से भारत में आए थे। तमिलनाडु के त्रिपुर में रॉयल क्लासिक मिल्स लिमिटेड में कपड़े सिलाई का काम करते थे, जिसका पहचान पत्र इन दोनों के पास है। आगे उन्होंने खुलासा दिया कि उस मिल में 200 के आसपास और भी बांग्लादेशी नागरिक गैर कानूनी तरीके से रहते हुए काम कर रहे हैं और त्रिपुर में कपड़े की 3 से 4 और भी मिले हैं, जिनमें तकरीबन बांग्लादेशी नागरिक ही है जो सभी गैर कानूनी तरीके से भारत आए हैं।